बाब ऐसे कि इसमें सुधार करने की जरूरत थी, संशोधन करने की जरूरत थी, और ये आपने संशोधन करके फिर एक बार बिल यहाँ लाए। और अध्यक्ष महोदय, आज अपने देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। भारी संख्या से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के युवा जवानों के हाथ के लिए जो काम चाहिए आज उसकी उपलब्धि या नहीं है। एक अध्यक्ष महोदय ऐसी थी, एक बार मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, लाखों की संख्या से वर्कर्स वहां काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी और लाखों के घर की जो संसार थे उनके वो सामने आ गए। कई ऐसी बड़ी कंपनी थी मुंबई में, जैसे प्रीमियर थी, कमानी थी, जैसे हमारे श्रृंग बारने जी जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं वहां भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन हर बरस कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंपनी एक अपनी बंद हो जाते हैं, उसके व्यवहार बंद हो जाते हैं। और एक कंपनी बंद होने के बाद, हालांकि जैसे पिछले 4 महीने के पहले जेट एयरवेज बंद हुई तो 10 से 12 हजार वर्कर्स पूरे रास्ते पे आए, उनके कोई उनके सामने कोई भविष्य जो था वो पूरे अंधेरे में छा गया। तो ऐसे वक्त में खास करके इस देश में रोजगार की निर्मित कैसे हो सकती है, स्वयं रोजगार के लिए तरफ चले ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन लोग उठने जाने के लिए तैयार नहीं होते। जो भी ग्रेजुएट होते हैं उनमें सारे के सारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए ऐसे उनकी अपेक्षा रहती है। तो नौकरियों की उपलब्धता कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करके आने वाले जो उद्योग है, आने वाले जो इंडस्ट्री है, उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है, उन्हें फैसिलिटी देने की जरूरत है। आज दुर्भाग्य से हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग क्यों नहीं आते, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स जो है टैक्सेशन, ये हेवी टैक्सेशन इन स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट। पानी का बिल मंगा, इलेक्ट्रिसिटी मंगी, पानी का बिल मंगा, बाद में कुछ बाकी के जो टैक्सेस होते हैं वो भी इतनी सीमा पार करते, तो कोई भी इंडस्ट्री आने नहीं देखते, जाते गुजरात में या गोवा में। तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां तैयार होते हैं तो उन्हें कई फैसिलिटीज दी जाती है, और उसका फायदा इंडस्ट्री डालने वाले जो भी लोग हैं, उद्योग डालने वाले जो भी उद्योगपति है उनको मिलना चाहिए। हमारे शिवसेना इंद्रोदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमेशा बोलते थे कि जैसे वर्कर्स के साथ हम लोग रहते हैं, वैसे ही जो उद्योगपति रहते हैं उन्हें भी संरक्षण देने की जरूरत है, कि एक उद्योगपति के माध्यम से 1000 लोगों को रोजगार मिलते हैं और 1000 परिवारों का संरक्षण होता है। और इसीलिए आज मंत्री महोदय जी ने ये बिल लाकर उसमें जो एक सुलभता निर्माण की है उसे मैं धन्यवाद देता हूं। और लेकिन एक विनंती करना चाहता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए विरोध क्यों करते लोग, तो जहां ज्यादा अच्छी खेती जहां होती है, अच्छा फल उत्पादन जहां होता है, वहां दुर्भाग्य से स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होना चाहिए, वहां की भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर वहां किए जाते हैं तो लोग रस्ते पे उतरते, आंदोलन करते और उनकी आंदोलन के देखकर इकोनॉमिक जोन का जो ऑर्डिनेंस है या गैजेट है वो वापिस लेना पड़ता है। तो अनुत्पादक जो भूमि जहां रहती है, बैरन लैंड जहां रहती है, वहां ज्यादा से ज्यादा आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करें, और देश में चाहे देशी उद्योगपति हो या परदेश से आने वाले उद्योगपति हो, उनका स्वागत इस देश में तो होना ही चाहिए। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में FDI का कंसेप्ट जो लाया, और उससे ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा परदेशी उद्योगपतियों को लगता है कि अभी अपने देश में अच्छा एक वातावरण निर्माण हो रहा है। दूसरे का ऐसा दुर्भाग्य था कि इंडस्ट्री बंद क्यों होती है, तो हमारे देश में यूनियनबाजी ज्यादा होती है, यूनियन के माध्यम से आंदोलन करे, डिमांड रखे, इंडस्ट्री बंद करे, ऐसे एक वक्त था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ये कम हो चुका है। हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे देश में उद्योग आना चाहिए, सौभाग्य से बंद हो गया अभी, लेकिन अभी हम सारे चाहते हैं कि सरकार ने ऐसे उद्योगों को सहूलत देनी चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, और जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन यानी सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, प्रोफेशन टैक्स हो, वैट हो, ऐसे ये टैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देकर इस देश में आने वाले उद्योगों का स्वागत करना चाहिए। इसलिए ये संशोधन बिल भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा और भारत में एक नया परिवर्तन उद्योग क्षेत्र में होगा, ऐसी मुझे धारणा है। फिर एक बार मंत्री महोदय जी का मैं अभिनंदन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू श्री कौशलेंद्र कुमार जी। विधेयक 2000